tam pam 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 पोष्टा से धान्यो पम्मे के बीजम संभिन्ने संस्रोते पादान सारे चतुर्विधं बुद्धि बलं ददाना गंगा नले जे निफालांबु तंतु रसून बीजम कुरचर नहव नवभूंगलं सिरि विहारे निश्चे तकामि रूपेत्य बसीति मेशम प्रकामि मन्त्वापि माथापि मांदा तथा प्रतिघाते आसरो प्रभु जी मने तानो के कष्ट निवारो पधारो स्वामी आंगनिया पधारो ताले में बोला वो दिन मेरा शास्त्र गुरु तीन नाथ कर मो देखिएगा ही भात दीप प्रजाल कंचन के सुवासन में कचु सोफले चढ़ावत अरत पोरत परम अमृत रसे सचु परिहंत सुत शेदांत गुरु निर रंत नित्य पूजा रचो ही भात अर्घ चढ़ाए नित भवि अरत शिव पंकति सचु अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर ग्रंथ नित्य पूजा रचो दूर नहीं जाना प्राचल की गलियां छोड़ के अरे घूमते हुए भक्ति के साथ रंग मा रंग मा रंग मारे प्रभु तारा की रंग मारक जय रे प्रभु देखो होले होले से मेरी गुरु माता आएगी पहन संयम का बोचोला पहन संयम का बोचोला साथ में पीछी ले आई देखो होले होले से मेरी गुरु माता आएगी वो गुरु माता ये आ गई है चरणों में सर को झुका देना चंद्री आरिका संग की आज के आनंद की आप सबकी धवल मंगल गाने रवाकुले दिन ग्रहे गुरु माते महम ओम रिम परम पंजनी हरि का श्री ये तस्वीर है और ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में मन मंदिर से नहीं कोई कम आप रख दो यहाँ पे कदम सारी दुनिया बिछाएंगे वो मन अपना बिछाएंगे हम ले लो आशु धामा ओ इतने भैया आपका सम्मान कर रहे कितने पुण्यशाली हो बोली अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जरड मूलनाय अति शिकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की बोली देवाई देव एक जरड श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की परम श्रद्धे आचार्य भगवान श्री स्वर विद्या सागर जी मुनिराज की परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य आचार्य रत्न श्री स्वर ज्ञान सागर जी मुनिराज की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री गे सागर जी मुनिराज की मुनि श्री सुधा सागर जी मुनि राज की त्रे मुनि राजो की श्री भक्तांबर महामंडल विधान की गुरु मां समझाए समझाने से समझे ओम रिम श्रीम क्लीम महाविलक्षण संपन्न श्री वृषगणेन्द्र दी मम हृदय अत्र मम सनिधो भव षट सनदी शरण और रसगुल्ला मुंह में रखा और नीचे उतर गया तो उनकी आहा ऐसा आनंद आया ऐसा ही आनंद आपको पूजन में आना चाहिए स्वाहा तोड प्रभु सुत्ता तम को चाह लिया प्रथम तीर्थंकर पावन पद को युगादि में ही प्राप्त किया इधर उधर ही जाके रहे हैं क्यों
बोला आए इंद्र ने तीर्थंकर बालक को लेकर देखो आई इंद्राणी धीरे धीरे पगला धरती देखो चांदी इंद्राणी कैसे दे दूं ओ कैसे दे दूं। उसकी जैसे ही बालक को लेने जाती है और बालक के दर्शन तीर्थंकर बालक के दर्शन करती है स्त्री पर्याय का छेदन हो जाता है। अब वो सौधर्म इंद्राणी के बाद कभी स्त्री पर्याय में धारण जन्म नहीं लेगी, स्त्री पर्याय को धारण नहीं करेगी। ऐसी गदगदता महसूस होना चाहिए और उस समय भाव आना चाहिए, हे भगवान आज मुझे यहाँ मिल रहा है यह सीन। और एक दिन समोसरण में साक्षात तीर्थंकर बालक का कभी ना कभी भविष्य में वो सौधर्म इंद्राणी का पद मिले और साक्षात तीर्थंकर बालक को लेने का सौभाग्य मिले। और अगर आयु बंद हो गया ऐसे में तो सुगति गमन है, और अगर मौका मिला तो तीर्थंकर बालक लेने का गोदी में सौभाग्य मिलेगा। एक सौधर्म इंद्र काल के, एक सौधर्म के जीवन काल में 40 नील सौधर्म इंद्राणी मोक्ष चली जाती है। देखने आए आपके सीन को और जिसने सबसे सुंदर दृश्य किया होगा उसको इनाम मिलेगा 48 दिन में। आप काउंटिंग करते रहना किसने किया है। और अगर भैया भूल भी जाए, पंडित जी भूल जाए, संगीतकार भूल जाए तो कह देना भैया ये सीन नहीं छोड़ेंगे हम, यहाँ 48 सौधर्म इंद्र है, 48 पंच कल्याण से भी ज्यादा 48 दिन का विधान हो रहा है ये सुंदर नजारा देखने के लिए, फिर पता नहीं मिले या ना मिले। तो सौधर्म इंद्राणी का सीन चाहे प्रवचन से पहले और चाहे प्रवचन के बाद ये सीन को मत छोड़ना। लोग भावना भाते हैं कि मुझे संसार में कुछ मिले या ना मिले, पर सौधर्म इंद्राणी बनने का एक बार अवश्य। अगर सचमुच सौधर्म इंद्राणी का अवसर मिल गया तो मोक्ष की प्राप्ति तो निश्चित है। मरम अवधि ज्ञान अवधि जिनेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घम नरोपामेति नरोपामेति। भक्तं गुणान् गुण समुद्रि ससांख्य कांतान् कस्ते चमासुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्यात्। ओ शशि समान उज्ज्वल गुण वाले गुण सागर भगवान, बृहस्पति सम बुद्धिमान भी कर न सके गुणगान। प्रलय काल से तुंग स्वामी जी अपनी लघुता प्रकट करते हैं तो ताले अपने आप जड़ जड़ टूट जाते हैं। और आचार्य भगवंत तो कहते हैं कि ये तो 48 ताले थे, ये तो 48 ताले थे, अगर 48,000 ताले भी होते तो उनको भी टूटना पड़ता, इतनी भक्तंवर स्तोत्र में शक्ति है। भव्य जीव ही भगवान की भक्ति करता है, अपने आप को भव्य समझना चाहिए। जब अपने आप को भव्य समझोगे तब महिमा आएगी। हम तो इसकी नकल कर रहे हैं, अकल से जिसने भक्ति की थी उनकी तो ताले क्या, कर्मों के ताले भी टूटते जा रहे हैं। जिनसे 148 कर्म रूपी प्रकृतियों के ताले टूट जाते हैं, ये तो 48 ताले लोहे के हैं, ये क्यों नहीं टूटेंगे। और जब ये टूट सकते हैं, 148 ताले कर्म प्रकृतियों के टूट सकते हैं, तो क्या हमारा शुगर बीपी हार्ट प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती? अवश्य हो सकती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी भक्ति करते हैं, ऐसी भक्ति में डूबते हैं। भक्ति में जैसे ही डूबते चले जाओगे
जितना गहराई में डूबते चले जाओगे एक एक शब्द में डूबने के बाद भूल जाओगे यहाँ पर कुछ है भी है, कोई बैठा भी है। अगर समुद्र की बात आए तो समुद्र को देखना, अरे ये विशाल समुद्र। और मगरमच्छ की बात आए तो चारों ओर मगरमच्छ ही मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं, अपने मुख खोले पड़े हैं, आंधी तूफान चारों ओर से। और वह समुद्र की लहरें ऊंचाइयों तक ऐसे समुद्र को अपनी भुजाओं से कौन पार कर सकता है भगवान? कोई भी नहीं पार कर सकता। इसी प्रकार आपके गुणों को भी कौन गा सकता है? कोई नहीं गा सकता। इसी प्रकार मैं भी, मुझ में भी ज्ञान नहीं है, मुझ में भी सामर्थ्य नहीं है, फिर भी आपकी भक्ति मुझे प्रेरित करती है, बाचाल करती है, इसलिए मैं आपका गुणगान गाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। ऐसी भक्ति से जब महिमा आती है तो कर्मों की निर्जरा होती है। अंदर से महिमा आना चाहिए तब कहीं कर्मों की निर्जरा होती है। चलते हैं। ओम रिमरम शर्वावधि जिनेभ्यो अनर्पत प्राप्त है अर्घम निर्वपामेति। ओम रिमरम महिमा गोविज संयुक्त श्री कृष्ण जिंदाय अर्घम निर्वपामेति स्वाहा। अमर महामंडल विधान की। हमें दुख को कम को बोला सो गई गमनम समय मरणम जिन गुण संपत्ति हो दुमजम कल्पांते काले वचना विषय गुरु नाम लोकोतरा केले गुण स्तवनम प्रशंसा स्वामी नमो सुश्री श्रवण सावचो मे जिया चिरम श्री शांति सागर सूर्य भरिया जिया चिरम श्री सूर्य सागर श्री विजय सागर श्री विमल सागर श्री सुमति सागर श्री सन्मति सागर श्री विद्या सागर श्री ज्ञान सागर श्री गे सागर श्री ज्ञात सागर सूर्य वरिया रागी देसी मोही हो मैं नित चरिया परमात भरी कष्ट दिया वश धा जीवों को गलती पर प्रतिकूल करी क्षमा याचना योगा त्रेश श्याद और ज्ञान भरो हे गुरुदेव परम उपकारी प्रायश्चित देकर शुद्ध करो प्रायश्चित देकर शुद्ध करो प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कल भैया जी ने? तीर्थंकर किसे कहते हैं और भगवान किसे कहते हैं? मतलब तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? सुनते सब हैं और हाथ एक दो उठाते हैं। हमारी आंटी उठाएंगे पीछे। हाँ आप ही जो इधर उधर देख रहे हैं। हाँ माइक आ जाइए इधर। नाम क्या है इनका? नाम क्या है? अच्छा ये कल नहीं थी क्या? अच्छा बता देंगे इधर बताइए। एक माइक दे दीजिए। नहीं माइक में बोलना है जयकारे के साथ। श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, 105 श्री अरस्वती माता जी की, आर्य का संघ की। हाँ। भगवान तीन कल्याणक वाले भी हो सकते हैं। हाँ। तीर्थंकर पांच कल्याणक वाले। तीर्थंकर पांच, तीर्थंकर के पांच कल्याण भी कम होते हैं? तीन से कम तो हो नहीं सकते ना माता जी, कैसे होंगे? हाँ गर्व होगा ही होगा, तप
होगा ही होगा। अगर गर्भ जन्म होगा फिर तीसरा तप होगा, तभी तो होगा। तप के साथ, तप के साथ ग्यारह कल्याण वाले तो नहीं, कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच तो होते हैं। तीर्थंकरों के तो पांच ही है, तीर्थंकर 25 नहीं होते हैं, ना ही 23 होते हैं, ना 25 होते हैं, कितने होते हैं 24 ही तीर्थंकर होते हैं। सही है गलत है, तालियां बजा के बता दो। चिट्ठी मन बाई रे, लिखा है सब कुछ प्यार से, मेरी चिट्ठी आई रे। तालियां, मीठी मीठी तालियां। समय मिले तो मधु, समय मिले तो मधुवन आकर अपना हाल सुनाना। आशीर्वाद मैं देऊं तुझको, सुख से मौज उड़ाना। आशीर्वाद मैं देऊं तुझको, सुख से मौज उड़ाना। तेरी करूं भलाई रे, तुझे मतलब क्या संसार से, तेरी करूं भलाई रे, तुझे मतलब क्या संसार से, मेरी चिट्ठी आई रे बाबा पारस के दरबार से, मेरी चिट्ठी आई रे। क्यों भटकंतों का बालक होकर धीरज खोता है, के रख विश्वास हो प्यारे के पल पल साथ है तेरे, के रख विश्वास हो प्यारे के पल पल साथ है तेरे। चंदन को करे स्वामी द्वारे पे खड़ी, आजा मेरा स्वामी मोपे विपदा पड़ी, कर्मों की सताई दुख दिए हैं अपार है, खड़ी है प्रभु जी बस तेरा इंतजार है। कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं, हमसे अपने रूठ न जाए, हमसे अपने रूठ न जाए, इसीलिए चुप रहते हैं।